अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी मशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। जहाँ सारा औखा काम तो तुम मेरे को करवाते हो अंडे वाला। उबल गए सन, सही वाला है। हाँ, मैं दो अंडे पाले, तुम क्या मैं नहीं खाने? बच्चे भी नहीं खाते तो मैं फिर नहीं अपने लिए दो तुसी, पाले। मैं तो नहीं खाने, मैं तो वैसे भी नाश्ता नहीं करना। चने बनाए ने फटाफट वाले, क्योंकि सालन कोई नहीं सी नाश्ते लिए, तो इसलिए चने असी बना लेने। नाल बनाए ने अंडे उबले, अंडे इंज इंज छिले देने, छड़प 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 करके है, फिर गर्म छिलके आंडे नहीं ने, टूटते। गर्म गर्म आंडे, गर्म आंडे वाले भी ना पुराने आंडे वेच के जो छिलो ना बिच काले निकलते ने उरे किन्ने नहीं, किन्ने। नहीं जनाब उत्थे होंदे सी, पता नहीं सुने ही सी कि जिहड़े ना होंदे ना देसी अंडे, वो होंदे ने ब्राउन रंग दे ना। ठीक है, ते इहनां तों वो जड़े काले हो जाते हैं। नहीं नहीं काले नहीं हो जाते, हाँ वो हो जाते ने, खैर वो आलवा हो जाते ने जनाब, कि वो ना कहंदे ने कि दे नाल ना पत्ती नहीं दिड़ी, चाली चाली पत्ती दे नाल अंडे बालदे अच्छा, ने, तो उन्होंने देसी कर देने, वो देसी रंग होने। चढ़ाने ने। अच्छा, हाँ चाह की पत्ती नाल मेहंदी का रंग चाढ़ा सी ना, सी चा की रंग कटी देंदा थी पहले जी, तू हाँ रंग बड़ा गाढ़ा होंगे। मैनू नहीं पता लेकिन हाँ ऐसा चलिए, कहते। प्लेट च पाने जो सालन तुसी खाने ना, ये सालन पा के आहो अंडे पाने ने, है पता नहीं, इंज प्लेटां बड़ियां वधियां जनाब, है कसम ना। बहुत भारियां ने। मैं प्लेट दूसरी दिनी है ना, मैं दस्यो किन्ना क तुसी तुसी खाने। नाल खाना है नहीं मैं नहीं खाना, मैं तो जनाब, तुहाडे तुसी मेरी बेगम साहिबा हो, तो तुसी मैं मेरी कोल पवांगी ना, पक्की चलांगी तेरे, मैं पक्की चलांगी सच्ची, मेरा मेरा दिल करन नहीं, भूख नहीं है। जब तो मेरी पक्की चलनी है तो मेरा हुक्का किथे फिर? हुक्का 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 रोटी तो बाद पी भी रहा, तुहानू नहीं पता, मैनूं तो पता ना, मेरे बू पींदे सन हुक्का। साढ़े ना नाना जी हुक्का पींदे सी ना, तो साढ़े घर आए थे दोवें अंडे पंचकी। पा दा। हाँ जी हाँ जी, ते घर आए थे आके कहंदे कि पंचकील नू, वड़े भाई मेरे ना नाजरीन, ते पंचकील नू कहंदे शकील तू कहंदे हुक्का पिया कर, ते पंचकील कहंदे कि कातों नाना जी, मैं कातों हुक्का पीवा? नहीं कहंदे कि जो इत्थे आई था ना फिर हुक्का बनया बनाया सानू लभ जाया करेगा, मतलब अच्छा कि सानू आपे बनाना पैंदा है, लकड़ियां अच्छा कट्ठियां करनियां सही पैंदियां। है, जनाब तुहाडा ना हार पर बहुत अच्छा है, बहुत लेकिन मैनूं अच्छा। पता इस रौला की लगता है, किसी दिन भी थल्ले डिग्गिया तो तुहाडा हाँ। पूरा हार पर जिहड़ा जाया हो जाना है। ते नाला डिगे हो, नहीं नहीं वैसे मैं कहना तेरे को डिगना, मेरे मैं को नहीं डिगना, मैं डेग देनी है चीजा, लेकिन मैं एहतियात ना करांगी। चलो कर चलो लो नाश्ता, कर लो चलो आ जाओ चलिए फिर। चलें जी, बारात की करते हैं तैयारी। कल जने कंबल ना हमने यूज करना शुरू कर दिया, अल्लाह रख दे, इन्ना वजनी कंबल है कभी पता नहीं इतों मिलिया ही नहीं वजनी सच्ची। ते कपड़े मैं कट ले, ते आसिम जोफा का मैं पहनने लगी हूँ, ये मेरा सूट है आसिम जोफा का, यान स्टिच है और बाद में स्टिच करवाएं खुद, ठीक है। कलर कंट्रास्ट ज़बरदस्त, पर्पल ग्रीन। मैं ना हर रोज़ कह छी तुहानू कि मैं अपना सूट बहावगी पाए, लेकिन मैं भुल जानी है तो ट्राउज़र इन जी बहा दिनी हाँ, जे मैं याद रहा तो मैं शेयर कर दाँगी, ना याद रहा तो तुम इन जी वेख लो। अच्छा उस दिन मेहंदी का जो सूट है वो किसी ब्रांड का नहीं, वो मैंने नॉर्मल किसी प्लाजे से लिया था, कोई ब्रांड श्रांड नहीं है। ये जो है ये आसम जोफा का, इसका ये दामन है और ये इसकी शर्ट का, अभी मैं प्रेस करने लगी हूँ, मैंने कहा चलो मैं तो आपके साथ ऐसे शेयर कर देती हूँ। ये इसका ट्राउज़र, ओ ये इसका प्यारा सा दुपट्टा, खूबसूरत कलर, खूबसूरत कंट्रास्ट, खूबसूरत स्टिच, मज़ा आ गया। मैं जिस दिन कपड़े आते ना उदू मैं कोई नहीं पा के वेखती, मेरी सब तो बुरी आदत है, लेकिन जो मैं कितने जाना होता फिर मैं पाव, ओहो बड़े मज़ा आया कपड़ा पा सूट पा के ना, फिटिंग शिटिंग स्टिचिंग तीनों चीज़ा परफेक्ट A1। ये हो गया मेरा, सब तो मज़ेदार है, वे कहता कंट्रास्ट बड़ा प्यारा है। अच्छा जी, और ये है आफिया का, आफिया हजे मैं पा के वेखना, क्योंकि आफिया लिए दो मैं ऑप्शन क्ढे ने, वेखो कि हूँ फाइनल होंगे। आफिया का तो मैं तुम्हें पैसे पा के भी विखा छी होंगी है, वह तो मैं कोई इशू नहीं, ना मैं भूलनी है बच्चे ना। ये इसका क्यूट सा दुपट्टा, ये इसकी दामन फ्राक बनी है, क्या बने है? हाँ फ्राक ही है, फ्राक एयरलाइन टाइप जैसे ना, शर्ट है लेकिन एयरलाइन है। ये इसके बॉडी है और ये इसके बाजू, और ये भी मारिया बीक है, ये सौखे रहते मारिया बीक रिजमा, बेस्ट बच्चियों के कपड़े होंगे ने, चुभते नहीं। ये इसका है शर्ट और ये इसका है प्लाजो, इसके साथ प्यारा सा। आजकल तुहानू पता किन्ना इहदा ट्रेंड वे, ओए होए पाकिस्तान चल जाओ ना तुसी, हर ब्रांड ने
लौंग की रेशमी की सब दे नाल लाए ने प्लाजो खुले खुले, ये है जी मिशाफिया का दुपट्टा इसका, ये है। अच्छा ये मैं रेड इसलिए कटिया क्योंकि मिशाल का रेड है, मिशाल का मेरून टाइप है, मैं क्या चलो दोनों मिशाल दी फुल फ्राक है। ठहरे मैं ये भी खोल के आसम बनाऊँ। जोफा का है, तुहानू ना एम्ब्रॉयडरी तो पता लग जाना चाहिए, आसम जोफा दे एक स्पेशल कढ़ाई शढ़ाई ना स्टाइल तो पता लग जाता है कि आसम जोफा दा है। इसके बाजू ने फुल दोनों बाजू फुल कढ़ाई, अच्छा एंड बड़े सी जो स्कूल लाइफ ने बड़े तैयार करवाए थे कपड़े, तो एयरलाइन फ्राक है मतलब दामन फुल फुल घेरा है ना फुल, ये देखें यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक खुली डुली फ्राक है। ये इसका दुपट्टा है नॉर्मल, ये मैंने अपना तैयार करवाया था लेकिन मिशाल को अच्छा लग गया तो वो पहनेगी, क्योंकि मिशाल के मैं बनवाती कोई नहीं, वो किधर कोई फंक्शन होता फिर वो चूज़ कर लेती है। ये सिल्क का इसका ट्राउज़र है, ये भी मैं पहना के ना इसको फिर छोटे मोटे क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी, अभी मैं प्रेस कर लूँ तो साथ में देख रही हूँ क्रिकेट मैच, किसी कम का नहीं क्रिकेट मैच, हद मुक्की पई है पाकिस्तान ने सच्ची। मैं कहनी हाँ इन्हां मुंडिया की हिम्मत है कि बैकग्राउंड भी कोई बेचारे नहीं है लेकिन फिर ही उत्थे बैठे ने, चलो कोई नहीं अल्लाह ताला हिम्मत दे कामयाब करे, दुआ कर सकते हैं जड़ी लगती तो कोई नहीं, क्योंकि उदन भी मैच हार गए ने, अज मैं लगता है कि मुश्किल ही लगन दिया, बस आने वाले ने वापस तैयारी शारी बनो आने वाले ने वापस, फिक्र ना करो। एकदम मुझे याद आया मैंने कहा है मैं अपने मियाँ के और बच्चों के भी कपड़े दिखा दिया करो, मुझे किसी ने मैसेज लिखा था अपने दिखा दें दे अपने बंदे दिखा दिया करो, तो मुझे ये था वो अपनी वीडियो में दिखा ही देते, खुद भी वो सामने आते पता लग ही जाते ना तुम की पाया वे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने मेकअप की तीन चीज़ें यूज़ करती, छोटी छोटी कंसीलर है प्राइमर है साथ मेरी बेस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इतने बच्चे तैयार शर हो गए ने, बाहर एक बार चक्कर भी लाए ने, मैंने बुलाया अंदर कि बहुत ठंड है अंदर आ जाए, पहली बार निकल जाते बगैर जैकेट के, सच्ची बच्चे ने तो अंदर में झूठ हो तो मामा जैकेट का कवे ही ना। तो खैर आफिया की हेयर स्टाइल देख लें, बड़ी मेहनत करती हूँ मैं इसका रोज हेयर स्टाइल सोच रहे में इसका क्या बनाया। तो दोनों तैयार हो गए, मैं भी बल्कि नीचे आ गए, इनके बाबा काम से आए नहीं है, उन्होंने आके कपड़े बस पहन निकल जाना है ना, तो खैर बंदियां का तो तुम्हें पता ही नहीं लंबी तैयारी होंगी नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह नहा धो के तैयार शर हो गए, तो उनको ये था वापस भी मेरे पास टाइम होंगे ही नहीं, मैं सिर्फ कपड़े पहनूंगा मैं निकल जाऊंगा, उन्होंने दी स्पीड एंडी होंगी है कि हो मैं बड़ी जल्दी जल्दी कर दिया, पर वाकई सच्ची बात बताऊँ ना हमेशा लेट करवा देते हैं। तो चले अभी सब बाहर निकल पड़े हैं, जैकेट शैकटे पहन ली है, मौसम बड़ा ही माशाल्लाह आज मौसम थोड़ा जहा ना बेहतर है बजाय कि 2 दिन पहले ना बड़ी ठंड सी ना। तो खैर बच्चे निकल पड़े हैं, इनको लेके जा रही हूँ गाड़ी में ताकि असी उत्थे पहुँच सकी, शुक्र अल्लाह का फिर भी टाइम से माफ़ किया, मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे मियाँ ग्लव्स दिखा रहे हैं, इन्नी ठंड नहीं है लेकिन वो ना अपने ग्लव्स पहन के जितनी हंसी आ रही थी, मैं आफिया अजे तो बर्फ पैनी तेरा अगर उगू की बनना वे, तू अज ही ग्लव्स पा लेने, तो खैर बंदे नू केयर करनी चाहिए ना, की पता होंगे कि वे बर्फ पै जाए। टाइम जो है 6:30 हो गए, खादा कुछ तुसे बाहरों होना है एक दम? नहीं मैं कुछ नहीं खादा जनाब, ब्याह हो गए तो तुसी बाहरों रोटियां खांदे फिरो। अच्छा वो तो कसर लानी उठे सी पैसे पूरे करने 40,000 बोटियां 40,000 बोटियां सही है ठंड भी नहीं है, किन्ना ग्राड है 15 है, इन्नी ठंड नहीं है, उस दिन बड़ी ठंड सी मेहंदी वाले दिन। हाल के अंदर क्या आपका वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती सॉरी, तो इतने मैं दो इजाजत वापस आऊंगी कल, अल्लाह हाफिज़।